नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। आसमानी बिजली गिरने के कारण 30 बेजुबान बकरियों की जान चली गई है और यह मामला जिला सांबा के नड ब्लॉक का है, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि सुबह लगभग 3-4 बजे के करीब आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से बेजुबान बकरियों की जान चली गई। और ये मामला हैरान करने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय मौसम थोड़ा खराब है, बारिशें हो रही हैं, बादल जो हैं वो गरज गरज के बरस रहे हैं। तो ऐसे में ये बेहद दुखद खबर जो है वो जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है। इस पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे, हमारे साथ हमारे सांबा के सहयोगी हैं, ब्यूरो हैं, सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, सर, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो खबर जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है कि बेजुबान बकरियों की जान चली गई है आसमानी बिजली गिरने के कारण, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखो दीपक जी, अगर बात करें तो सांबा जिले का जो नड ब्लॉक है, वहां का गांव है मनानुपल जी, उसी के पास एक बाबा अब्दुदास जी की जगह है, उसके पास ही गुज्जर बकरवाल परिवार रहते हैं। और जो जिनका मेन जो काम है वो सारा दारो मदार अगर देखा जाए तो भेड़ बकरियों पर ही निर्भर है, इन्हीं का वो पालन पोषण करते हैं, इन्हीं से उनके परिवारों का गुजारा चलता है। और ये जो वारदात हुई है, ये 3:30 के करीब की बात है कि आसमानी बिजली पड़ी है और उससे उनकी कोई 30-35 बकरियों की जो है वो मौत हो गई है, दुखद समाचार है। इसके अलावा कुछ बकरियां जो है वो जख्मी भी हुई है, जिनका परिजन जो है उपचार करा रहे हैं। मैं इनके नाम बता देता हूं, जो दो परिवार पीड़ित परिवार हैं, मोहम्मद शौकत पुत्र अब्दुल हमीद और इसके अलावा रफकात पुत्र नूरदीन, दोनों ये मनानू पलत के रहने वाले हैं और भेड़ बकरियां पालकर अपने परिवार का जो पालन पोषण करते थे। और आज आसमानी बिजली गिरने से इनकी 30-35 बकरियों की जो है वो मौत हुई है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी अपडेट करवा देता हूं कि 2 दिन पहले भी हमने खबर चलाई थी, एक समाचार चलाया था कि बेमौसमी बारिश के कारण जो गेहूं उत्पादक किसान है वो काफी परेशान है और जो गेहूं की कटाई का कार्य है वो भी रुका हुआ है। और अगर बात करें तो आज दोबारा सोमवार को सुबह से ही बारिश जो है वो लगातार हो रही है और जो गेहूं उत्पादक किसान है वो काफी परेशान है, गेहूं की कटाई का कार्य जो है बिल्कुल पूरी तरीके से रुक गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बारिश जो है इन दिनों गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक है, किसान वर्ग काफी परेशान है। और ये भी एक दुखद समाचार आज सुबह तड़के जो हमें मिला कि सांबा के नड ब्लॉक के मनानू इलाके में जो है गुजर बकरवार परिवारों की 30-35 बकरियां जो है आसमानी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई है, बेजवान भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, दुख समाचार है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरीके से बेमौसमी बारिश हो रही है, ये किसान वर्ग के लिए नुकसानदायक है और किसान वर्ग जो है काफी चिंतित है। नहीं तो ये गुजर बकरवाल जो परिवार, इनके वहां पर डेरे हैं कि ये बकरियां चराने वाले? नहीं, ये स्थायी तौर पर भी वहां रहते हैं, लोकल लोग हैं, जहां पर अगर कुछ लोग आगे पीछे से भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी जगह लेके वहां पर वो आजकल अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये वहीं के रहने वाले हैं, मनानू के ही रहने वाले हैं। और जो जगह आपने मैंने आपको बताई नड ब्लॉक का मनानू पल से जो इलाका है, वहां पर बाबा अब्दुनाथ जी का मंदिर है, उसके पास ये रहते हैं। और ज्यादातर जिस तरीके से गर्मियों का मौसम है, पहले तो कई बार होता है कि भेड़ बकरियां जो है मवेशी बाड़ों के अंदर बांधी जाती है, कुल्लों के अंदर बांधी जाती है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली वो खुले में ही ये बंधी हुई थी और आसमानी बिजली सुबह 3:30 के करीब पड़ी है और 30 बकरियों की जो है वो मौत हो गई है। ये एक दुखद समाचार सांबा जिला से आया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई मदद इनकी इन लोगों की जा रही है कि नहीं? नहीं, जे लोग अप्रोच करते हैं, अप्रोच की है, हो सकता है कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद मिले, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली अभी तक कोई मदद जो है वो नहीं पहुंची थी। इससे पहले भी अगर कोई कुदरती आपदा जब आती है, प्राकृतिक आपदा जब आती है, तो जिला प्रशासन की तरफ से जो पीड़ित परिवार होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ सहायता जो पहुंचाई जाती है, चाहे रेड क्रॉस की तरफ से ही हो, लेकिन प्रशासन ने जो है वो हमें जो जानकारी मिली प्रशासन की तरफ से भी सहायता मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई जो सहायता जो थी वो अभी तक नहीं मिली थी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये सुरेश जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। और देखें कि आसमानी बिजली गिरने के कारण बेजुबान बकरियों की जान चली गई है, गुज्जर बकर वालों की ये बकरियां थी। और कहते हैं कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती, और ऐसा ही कुछ दृश्य जो है वो जिला सांबा के नड ब्लॉक से सामने आ रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।